आज हम आप लोगों को एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं एड्रिनल, ठीक है, एड्रिनल जो एड्रिनल ग्लैंड होती, एड्रिनल मतलब क्या हुआ, एड मतलब क्या हुआ, एडजेसेंट, और रिनल मतलब क्या हुआ, किडनी। जो किडनी के पास ग्लैंड पाई जाती है उसी को क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, किडनी के पास पाए जाने वाली ग्लैंड को क्या कहेंगे, एड्रिनल ग्लैंड। और ये जो ग्लैंड होती है एड्रिनल ग्लैंड, ये किडनी के ऊपर या सुपीरियर पोजीशन पे स्थिर होती है, इसीलिए इस ग्लैंड को सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। सुपीरियर पोजीशन होता है किडनी के ऊपर, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। अगर एड्रिनल ग्लैंड को देखा जाए, ठीक है, तो इसके दो पार्ट होते हैं। अगर हम एड्रिनल ग्लैंड को देखते हैं तो इसके कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक बाहर वाला पार्ट, एक अंदर वाला पार्ट। जो बाहर वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एड्रिनल कार्टेक्स। क्या कहते हैं, एड्रिनल कार्टेक्स। और जो अंदर वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं एड्रिनल मेडुला। इस पार्ट को क्या कहते हैं, एड्रिनल मेडुला। और जो एड्रिनल मेडुला वाला पार्ट होता है, इसमें बहुत सारी स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जा रही है, बहुत सारी सेल्स पाई जा रही है। इन सेल्स को कहते हैं, जो विशेष प्रकार की सेल पाई जा रही है, क्रोमाइफिन सेल्स। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रोमाइफिन सेल्स कहां पाई जाती है, तो क्रोमाइफिन सेल्स कहां पाई जा रही है, एड्रिनल मेडुला में। ठीक है, तो इस तरह अब हम एक एक पार्ट के बारे में देखेंगे कि एड्रिनल कार्टेक्स क्या है, एड्रिनल कार्टेक्स से कितने पार्ट है, एड्रिनल कार्टेक्स से कौन से हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, एड्रिनल मेडुला से कौन से हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, एक एक को देखेंगे। आप ये भी जानते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड को हम 3F ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 3F ग्लैंड। क्यों 3F कहते हैं, क्योंकि तीन प्रकार के रिस्पॉन्स होने पर, तीन प्रकार का स्टिमुलस मिलने पर ये कार्य करती है। क्या क्या है, फाइट, फ्लाइट और फ्राइट। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति किसी से क्या कर रहा है, लड़ रहा है, उस समय एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीशन होगा। जब कोई भाग रहा है, कहीं डर गया, कोई शेर आ गया देख के डर गया, तो उस समय भी इसका सिक्रीशन होगा। और जब डरा हुआ है, ठीक है, तो भी क्या होगा, इसी ग्लैंड का सिक्रीशन होगा, फाइट में, फ्लाइट में और फ्राइट में। ठीक है, इन तीनों कंडीशन में भी क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, 3F ग्लैंड। इसको 4S ग्लैंड भी कहा जाता है, 4S ग्लैंड। 4S ग्लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये साल्ट, शुगर, स्ट्रेस और सेक्स चारों को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसीलिए इस ग्लैंड को क्या कहते हैं, 4S ग्लैंड या 3F ग्लैंड। अब हम एक एक ग्लैंड के पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, डिटेल पढ़ते हैं एड्रिनल कार्टेक्स के बारे में। एड्रिनल कार्टेक्स, यदि हम एड्रिनल कार्टेक्स को देखें तो एड्रिनल कार्टेक्स के तीन पार्ट होते हैं, सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, जोना। इसको तीन भागों में, एड्रिनल कार्टेक्स को तीन भागों में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है वो है जोना ग्लोमेरुलोसा। अंदर वाला पार्ट होता है जोना फैसिकुलेटा। और सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है जोना रेटिकुलरिस। तो इस तरह हम देखते हैं एड्रिनल कार्टेक्स को तीन भागों में बांट सकते हैं। सबसे बाहर वाला पार्ट जोना ग्लोमेरुलोसा,
उसके बाद वाला जोना फेसिकुलेटा और सबसे अंदर वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, जोना रेटिकुलेंस। एक यहाँ बात एक और ध्यान में रखना है, एड्रेनल ग्लैंड जो होती है वो जनरली इक्टोमीजोडर्मल ऑरिजिन की होती है। कैसी होती है? इक्टोमीजोडर्मल ऑरिजिन की होती है, ठीक है, इक्टोमीजोडर्मल ऑरिजिन की। इसका मतलब ये हुआ कि एड्रेनल कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है वो मीजोडर्मल ऑरिजिन का होता है। कैसा होगा? मीजोडर्मल ऑरिजिन का। और जो एड्रेनल मेडुला वाला पार्ट होता है वो कैसा होगा, सॉरी, इसमें एड्रेनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट कैसा होगा, मीजोडर्मल का, ठीक है, और मेडुला वाला पार्ट जो होगा वो कैसा होगा, इक्टोडर्मल का, ठीक है, वो आगे देखेंगे। इसीलिए इस ग्लैंड को क्या कहा जाता है, इक्टोमीजोडर्मल ऑरिजिन, ठीक है। अब यहां देखिए जोना ग्लोमेरुलोसा वाला जो पार्ट होता है वो एक हार्मोन सिक्रीट करेगा, उस हार्मोन को कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, सॉरी, जोना फेसिकुलेटा से जो हार्मोन सिक्रीट होगा उसे कहेंगे ग्लूको कार्टिकॉइड हार्मोन, ठीक है, और जोना रेटिकुलरिस से जो हार्मोन सिक्रीट होगा उसे कहेंगे सेक्स कार्टिकॉइड हार्मोन, ठीक। तो इस तरह हम देखते हैं कि तीनों पार्ट जो हैं, तीनों जोन जो डिवाइड हुए हैं उनसे तीन डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, जोना फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, और जोना रेटिकुलरिस से कौन सा होगा, सेक्स कार्टिकॉइड हार्मोन। तो ये तीनों पार्ट की इनका क्या क्रम है और कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है। एड्रेनल ग्लैंड ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंपटीशन उससे एक या दो क्वेश्चन इस ग्लैंड से अवश्य आते हैं, चाहे जो भी कंपटीशन हो। तो इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा कि कौन से पार्ट से कौन कौन सा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है। तो जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरलोकॉर्टिकॉइड, फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, फिर सेक्स कॉर्टिकॉइड। अब हम एक एक हार्मोन का कार्य को डिटेल से पढ़ेंगे। पहला हार्मोन है मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, सबसे पहले हम देखते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन में जो मेन हार्मोन होता है वो है एल्डोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन है? एल्डोस्टेरोन, ठीक है। एल्डोस्टेरोन जो होता है वो क्या करता है, साल्ट के कंसंट्रेशन को, मेनली सोडियम और पोटेशियम के कंसंट्रेशन को बॉडी में मेंटेन करता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, साल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा हमारे ब्लड में, कौन से साल्ट को, सोडियम और पोटेशियम को, ठीक है। एल्डोस्टेरोन जो होता है इसको अगर हम देखें तो पहला इसका काम है वाटर एब्जॉर्प्शन में, पहला इसका कार्य किसमें हो गया, वाटर एब्जॉर्प्शन में। आप जानते हैं ये नेफ्रॉन है, रफ एक फिगर बना रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं ये क्या है, पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वोलुटेड ट्यूब्यूल है, और ये क्या है, डीसीटी है, डिस्टल कन्वोलुटेड ट्यूब्यूल, और इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो इस वाले पार्ट पे, इन दोनों पार्ट पे कौन काम करता है, एल्डोस्टेरोन,
डिस्टल कन्वर्टेड टिब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पे यहाँ पे कौन सा हार्मोन कार्य करेगा? एल्डोस्टेरॉन। और एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। वाटर यहाँ एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगा? ब्लड वेसल्स में। यहाँ मान लीजिए बगल में मान लीजिए ब्लड वेसल्स है, तो यहां से पानी H2O कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, ठीक है। वाटर यहां से निकलकर इसमें आएगा। ऐसे डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब से वाटर कहाँ आएगा? इसमें आएगा, ठीक है, ब्लड वेसल्स में आएगा। तो वाटर को यहां से ये निकाल रहा है। तो एल्डोस्टेरॉन क्या कर रहा है? वाटर एब्जॉर्प्शन में भाग लेता है, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा। दूसरा इसका कार्य देखते हैं एल्डोस्टेरॉन का। पोटेशियम आयन के सिक्रीशन में भाग लेता है। किसमें भाग ले रहा? पोटेशियम आयन के सिक्रीशन में। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर अपने बॉडी में देखा जाए तो पोटेशियम की नॉर्मल जो मात्रा होती है वो 3 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। हमारे इसके पोटेशियम के सिक्रीशन में भी एल्डोस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। होता क्या है, हमारे अगर बॉडी में देखा जाए पोटेशियम की मात्रा कितना है? 3 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यदि हमारे बॉडी में पोटेशियम की मात्रा 3 से कम हो जाए, क्या हो जाए? 3 से कम हो जाए, पोटेशियम की मात्रा अगर घटेगी तो यह कंडीशन क्या कहलाएगी? हाइपोकैलेमिया। क्या कहलाएगी? हाइपोकैलेमिया। और हाइपोकैलेमिया जब होगा तो मसल्स जो हमारी हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, और मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा? पैरालिसिस का अटैक होगा। मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी किस चीज का अटैक होगा? पैरालिसिस का। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं यदि हमारे अंदर पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाए, कितना हो जाए? 5 से ज्यादा हो जाए। 5 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम हमारे अंदर ज्यादा हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया। और ये क्या काज करेगा? ये हार्ट अटैक करेगा। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा? हार्ट अटैक, ठीक है। तो अगर कम हो रहा हाइपोकैलेमिया हो रहा है तो पैरालिसिस, और ज्यादा हो रहा तो क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि वाटर एब्जॉर्प्शन में भाग ले रहा है, और किस में भाग ले रहा है? पोटेशियम सिक्रीशन में भाग ले रहा है। तीसरा चीज देखते हैं, यदि एल्डोस्टेरॉन की मात्रा ज्यादा सिक्रीट हो जाएगा, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, यदि बहुत ज्यादा सिक्रीशन हो जाए किसका? एल्डोस्टेरॉन का, तब क्या प्रभाव पड़ेगा? जब एल्डोस्टेरॉन का ज्यादा सिक्रीशन होता है तो होता क्या है? ज्यादा सिक्रीशन होगा तो ब्लड में सोडियम की मात्रा, ब्लड में क्या होगा? सोडियम की मात्रा बढ़ेगी, और जबकि पोटेशियम की मात्रा क्या हो जाएगी? ब्लड में घट जाएगी, ठीक है। पोटेशियम की मात्रा ब्लड में घट रही है और यहां सोडियम की मात्रा क्या हो रही है? ब्लड में बढ़ रही है। अगर सोडियम की मात्रा जब बढ़ती है ब्लड में तो सोडियम के साथ साथ क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल भी जाते हैं, इसके साथ साथ H2O का भी एब्जॉर्प्शन होता है। और जब ब्लड में सोडियम की मात्रा बढ़ी, इसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल भी गए, तो क्या होगा? ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और ब्लड वॉल्यूम जब बढ़ गया तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? हाइपरटेंशन होगा। बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो क्या होगा? हाइपरटेंशन होगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम देखते हैं पोटेशियम की मात्रा अगर बढ़ रही है, घट रही है, पोटेशियम घट रही है तो क्या हो जाएगा? हाइपो कैलेमिया हो जाएगा। पोटेशियम घटेगी तो क्या हो जाएगा?
हाइपोकलेमिया, ठीक है, और इस पे भी मसल्स क्या हो जाएंगे, पैरालिसिस हो जाएंगे। तो इस तरह हम देखते हैं अगर हाइपर कंडीशन आई एल्डोस्टेरोन की, एल्डोस्टेरोन हार्मोन की हाइपर कंडीशन आई तो क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ेगा, ठीक है। और जब ये हाइपर कंडीशन आती है तो इस कंडीशन में एक बीमारी होती है, उस बीमारी को कहते हैं कौन सिंड्रोम, क्या कहते हैं, कौन सिंड्रोम। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सिंड्रोम होता है, उस समय कंडीशन क्या होती है, कौन सिंड्रोम के समय क्या होगा, सोडियम की मात्रा ब्लड में बढ़ जाएगी और पोटेशियम की मात्रा घट जाएगी। या पूछ सकता है कौन सिंड्रोम किसके कारण होता है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, हाइपो सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, बोथ नन ऑफ दीज। तो किसके कारण होगा, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो ये हो गया किसके बारे में, एल्डोस्टेरोन के बारे में, या कह सकते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन के बारे में। अब दूसरा हार्मोन देखते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, दूसरा हार्मोन आ जाएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन को देखा जाए तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में दो हार्मोन होते हैं मुख्य रूप से, ठीक है, एक है कॉर्टिस्टेरोन और दूसरा है कॉर्टिसॉल, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अंतर्गत दो हार्मोन आते हैं, कॉर्टिस्टेरोन आता है, दूसरा कॉर्टिसॉल आता है, ठीक है। इसमें जो मुख्य हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, कॉर्टिसॉल होता है, और कॉर्टिसॉल हार्मोन जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये मेनली स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है बॉडी में, ठीक है, तनाव की कंडीशन हमारे पास ज्यादा है, तो ये हार्मोन सिक्रेट होता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड साल्ट देखें, और कॉर्टिसॉल किसके रिस्पॉन्स में है, स्ट्रेस के, जब ज्यादा स्ट्रेस होगा तो ये सिक्रेट होगा, ठीक है। दूसरा इसका फंक्शन देखते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स, कैसा है, इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स देखते हैं कैसे क्या कार्य करता है, ठीक है। हम जानते हैं कि हमारे इम्यून रिस्पांस क्या है, मतलब इम्यूनिटी से है, इम्यूनिटी क्या चीज होती है, हम जानते हैं कि बाहर से जब हमारे बॉडी में एंटीजन आते हैं तो हमारे अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं, एंटीबॉडी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आईजी से। और इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी जो होते हैं ये क्या होते हैं, किस नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं, प्रोटीनेसियस नेचर के होते हैं, ठीक है, किस नेचर के होते हैं, प्रोटीनेसियस नेचर के। जब हमारे बॉडी में कॉर्टिसॉल की मात्रा, कॉर्टिसॉल सिक्रीट होता है, ठीक है, तो कॉर्टिसॉल क्या करता है, प्रोटीन को डिग्रेड करा देता है, क्या करा देगा, डिग्रेड करा देगा इसको, प्रोटीन को तोड़ेगा, प्रोटीन तोड़ने का मतलब क्या, इम्यूनोग्लोबिन तोड़ेगा, इम्यूनोग्लोबिन तोड़ने का मतलब क्या हुआ, एंटीबॉडी को तोड़ेगा। जब एंटीबॉडी की हमारे अंदर कमी आ जाएगी तो हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी, ठीक है, इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी। और इम्यूनिटी सप्रेस हो गई तो क्या करते हैं, ऑर्गन जब ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी क्या कोई पार्ट इम्प्लांट किया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, इम्यूनिटी को सप्रेस किया जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं इस कॉर्टिसॉल हार्मोन का उपयोग हम किसमें करते हैं, इम्यूनिटी सप्रेशन में, या कह सकते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। इसका उपयोग किसमें है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में या इम्यूनिटी सप्रेसर के रूप में, ठीक है। ये हो गया इसका इम्यून रिस्पांस। फिर अगला देखते हैं, जो कॉर्टिसॉल हार्मोन है वो एंटी एलर्जिक के रूप में काम करता है, या कह सकते हैं एंटी एलर्जिक में, एंटी इंफ्लामेटरी के रूप में, एंटी इंफ्ला
मेट्री के रूप में काम करेगा। कौन सा हार्मोन? कार्टिसोल। कार्टिसोल। अब यहां बात आती है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन क्या होता है? जब कहीं हमें चोट लग जाती है तो हम देखते होंगे कि उस बॉडी पार्ट में चोट के किनारे किनारे रेडनेस आ जाती है, उसी रेडनेस को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लामेशन। ब्लड वेसल स्वेल कर जाती है, वहां रेड रेड हो जाएगा, उसी को क्या कहेंगे? इन्फ्लामेशन। तो उस इन्फ्लामेशन को कौन कंट्रोल करता है? कार्टिसोल। कार्टिसोल क्या करता है? इन्फ्लामेशन को नहीं होने देता है, और इन्फ्लामेशन जब नहीं होगा तो हमें दर्द का एहसास नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। अगला इसका है मेटाबॉलिक फंक्शन है। कार्टिसोल का किसमें इंपॉर्टेंट रोल है? मेटाबॉलिक फंक्शन में। इसके अन्य मेटाबॉलिक फंक्शन है। मेटाबॉलिक फंक्शन में क्या शो करता है? ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है। किसके? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में। अब क्या करता है कार्टिसोल? कार्टिसोल प्रोटीन पे एक्ट करेगा और तोड़ देगा इसमें, किसमें? इसको अमीनो एसिड में। हमारे बॉडी के प्रोटीन पे कार्य करेगा, इसको किसमें तोड़ेगा? अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड की मात्रा कहां बढ़ जाएगी? ब्लड में। दूसरा काम क्या करता है कार्टिसोल? ये हमारे बॉडी में अमीनो एसिड के इंटेक को इनहिबिट करेगा, इनटेक ऑफ अमीनो एसिड इनहिबिट। और जब ये दोनों काम करेगा तो उससे क्या होगा? हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में अमीनो एसिड की मात्रा ब्लड में क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। हमारे ब्लड में क्या हो जाएगी? अमीनो एसिड की मात्रा इंक्रीज कर जाएगी। तो एक काम कार्टिसोल ये किया कि प्रोटीन पे एक्ट करके इसको तोड़ दिया, किसमें तोड़ दिया? अमीनो एसिड में। तो हमारे ब्लड में अमीनो एसिड की मात्रा बढ़ेगी। दूसरा काम क्या करता है कार्टिसोल? जो अमीनो एसिड हमारे ब्लड में आए उसके बॉडी में इनटेक को क्या करता है? इनहिबिट करता है। इस तरह ब्लड में हमारे अमीनो एसिड की मात्रा बढ़ गई। अब दूसरा हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में क्या करेगा ये? अगर ये कार्बोहाइड्रेट पे कार्टिसोल कार्य करता है, ठीक है, किस पे कार्य करेगा? कार्बोहाइड्रेट पे। तो इसको भी तोड़ देगा और तोड़ के क्या बनाएगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा। ब्लड ग्लूकोज को क्या करेगा? बढ़ा देगा। और जब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो इसके दो कारण होते हैं। दो कारण उसे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कार्टिसोल क्या करता है? हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, एक इसमें इसका फंक्शन हो गया ग्लूकोनियोजेनेसिस, और दूसरा इसका फंक्शन हो गया ग्लाइकोजिनोलिसिस। दो कार्य करता है, चाहे ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से तोड़ के ब्लड उसमें ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जो बढ़ा रहा है, इसमें दो कार्य करता है। किस तरह बढ़ाता है? दो कार्य करके, एक ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, दूसरा ग्लाइकोजिनोलिसिस करता है। अब इसको देखते हैं कैसे क्या होता है। पहला हो गया ग्लूको नियोजेनेसिस। ग्लूको नियोजेनेसिस है। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नया, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन किसी नए पदार्थ से, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का फॉर्मेशन ग्लाइकोजन से ना होकर किसी अन्य पदार्थ से होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लूको नियोजेनेसिस। ठीक है, जैसे फैट से, अमीनो एसिड से, जब किसका निर्माण हो?
ग्लूकोज का। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेंसिस। अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, आता क्वेश्चन कि ग्लूकोनियोजेंसिस क्या है। ठीक है, जब ग्लाइकोजन के अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ से ग्लूकोज का निर्माण हो, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ग्लूकोनियोजेंसिस। ठीक है, दूसरा है ग्लाइकोजिनोलिसिस। ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या है, ग्लाइकोजन ये है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन मतलब ग्लाइकोजन, और लिसिस मतलब क्या होता है, टूटना। यहां पे क्या होता है, ग्लाइकोजन टूटता है। ठीक है, ग्लाइकोजन किस में तोड़ेगा, ग्लूकोज में। तो इस तरह हम देखते हैं, यहां भी देख रहे हैं, यहां भी देख रहे हैं, हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, हमारे बॉडी के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है। तो कार्टिसोल हार्मोन क्या करता है, बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। तो यहां देखिए शुगर वाला प्रभाव शो कर रहा है, स्ट्रेस वाला हो चुका, शुगर भी शो कर रहा है। अब इसका हाइपर सिक्रीशन देखते हैं, क्या देखते हैं, हाइपर सिक्रीशन ऑफ किसका, हाइपर सिक्रीशन कार्टिसोल का। जब कार्टिसोल का ज्यादा सिक्रीशन होगा तो क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देगा। ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा देगा, और जब ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है तब एक यहां पे सिंड्रोम होता है, उसे कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। क्या कहते हैं, कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज का डिपॉजिशन बढ़ाएगा, और क्या होगा, इसमें फैट का डिपॉजिशन भी बॉडी में बढ़ाता है, पफी अपीयरेंस होगा, इसे क्या कहेंगे, कुशिंग सिंड्रोम। तो कुशिंग सिंड्रोम किसके कारण है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ कार्टिसोल। इसके पहले बताए थे आपको कौन सिंड्रोम, कौन सिंड्रोम किसके कारण था, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। अगर हाइपो सिक्रीशन हो कार्टिसोल का, क्या हो, हाइपो सिक्रीशन ऑफ कार्टिसोल, अगर इसका कम सिक्रीशन हो। ठीक है, तो जब कम सिक्रीशन होता है कार्टिसोल का, तो इसके साथ साथ एल्डोस्टेरोन हार्मोन भी प्रभावित होता है। तो यहां पे क्या होगा, दो चीज होता है कम सिक्रीशन पे। ठीक है, यहां पे एल्डोस्टेरोन का भी सिक्रीशन कम हो जाएगा, और साथ के साथ में क्या हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन के साथ साथ कार्टिसोल का भी सिक्रीशन घट जाएगा। ठीक है, तो एल्डोस्टेरोन का जब सिक्रीशन होगा कम, तो यहां पे क्या होगा, पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाएगी, और दूसरा चीज क्या होगा, यहां पे पोटेशियम की मात्रा बढ़ेगी तो इसका उल्टा होता है, सोडियम की मात्रा ब्लड में घट जाती है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन की मात्रा जब हाइपोसिक्रीशन होगा एल्डोस्टेरोन का, तो पोटेशियम की मात्रा ब्लड में बढ़ेगी, लेकिन सोडियम जस्ट उल्टा होगा, सोडियम की मात्रा घट जाएगी, और कार्टिसोल घटेगा तो ब्लड ग्लूकोज की मात्रा, ब्लड ग्लूकोज भी क्या होगा, घट जाएगा। तो जब बॉडी में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाए, ब्लड ग्लूकोज घट जाए और सोडियम की मात्रा घट जाए, तो यहां पे एक डिजीज होती है, एक सिंड्रोम होता है, उसे क्या कहते हैं, एक डिजीज होगी, उसे कहेंगे एडिशन डिजीज। तो एडिशन डिजीज किसके कारण है, हाइपोसिक्रीशन ऑफ कार्टिसोल, या कहते हैं, कह सकते हैं हाइपोसिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन और हाइपोसिक्रीशन ऑफ कार्टिसोल। ठीक है, तो इस तरह हम दो हार्मोन देख लिए, मिनरलोकार्टिकॉइड और ग्लूकोकार्टिकॉइड। तीसरा हार्मोन हम देखते हैं सेक्स कार्टिकॉइड। थर्ड हार्मोन जो है वो क्या है, सेक्स कॉर्टिकॉइड है। सेक्स कॉर्टिकॉइड में मेनली हम ले लेते हैं
एंड्रोजेंस को। और जैसा कि हम जानते हैं एंड्रोजेंस जो होता है थोड़ी मात्रा में फीमेल में भी सिक्रीट हो रहा है और मेल में भी सिक्रीट हो रहा है। एंड्रोजेंस क्या करता है, थोड़ी मात्रा मेल में भी सिक्रीट हो रहा है, फीमेल्स में भी सिक्रीट हो रहा है। तो अगर कम सिक्रीशन हो मेल में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि एंड्रोजेंस जो मेल हार्मोन होते हैं वो टेस्टिस से मेनली सिक्रीट होते हैं, तो यहाँ सिक्रीट हो या ना कम सिक्रीट हो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फीमेल में कम सिक्रीट हो रहा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन मेल में अगर फीमेल में ज्यादा सिक्रीट हो मेल हार्मोन तो कुछ प्रभाव शो करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कुछ डिसऑर्डर होते हैं, जैसे दो बीमारियां दो डिजीज की चर्चा होती है, एक होती है विरलिज्म। क्वेश्चन पूछ रहा था विरलिज्म पे, विरलिज्म क्या है, विरलिज्म क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ मेल करेक्टर इन फीमेल। क्या हो विरलिज्म, क्या हो अपीयरेंस ऑफ मेल करेक्टर इन फीमेल, जब मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर फीमेल में आ जाए तो इस बीमारी को क्या कहा जाएगा, विरलिज्म। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ मेल कैरेक्टर किसमें आ रहा है, फीमेल में। और एक दूसरी बीमारी होती है गायनेको मस्तिया। एक दूसरी डिजीज क्या है, गायनेको मस्तिया। गायनेको मस्तिया में क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ फीमेल कैरेक्टर इन मेल, फीमेल कैरेक्टर या फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या, ठीक है, कंधे का कम चौड़ा होना, आवाज लड़कियों की कम होती, ये कैरेक्टर किसमें आ जाए, मेल में आ जाए, तो इसे क्या कहेंगे, गायनेको मस्तिया। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ फीमेल कैरेक्टर इन मेल, ठीक है, तो ये हो गया गायनेको मस्तिया। तो ये हो गया आपके एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम देखेंगे कि एड्रिनल मेडुला हार्मोन जो होता है, ठीक है, वहां एड्रिनल मेडुला ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकल रहे हैं, ठीक, और उनका कार्य क्या है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।